तो भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, होंडा ने अपनी अमेज का फेसलिफ्ट कर दिया है लॉन्च। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से वेरिएंट्स हमें देखने को मिलेंगे फेसलिफ्ट मॉडल में, और बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन से कलर ऑप्शंस हमें मिलेंगे, साथ ही साथ प्राइस भी रिवील करूंगा हर एक वेरिएंट का। सो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से वेरिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं इस कार के अंदर। तो भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमेज में हमें पुराने वाले अमेज में चार वेरिएंट्स मिलते थे, जो थे ई, एस, वी और VX। पर जो हमारा नया फेसलिफ्ट मॉडल है उसमें एक वेरिएंट कम कर दिया गया है और अब इसमें तीन वेरिएंट्स हमें ऑफर हो रहे हैं, और वो है ई, एस और VX। जो हमारा V मॉडल था वो यहाँ पे होंडा ने डिसकंटिन्यू करा है फेसलिफ्ट मॉडल में, और इसी की वजह से जो हमारा S और जो हमारा VX मॉडल, टॉप मॉडल आप लोग कह सकते हैं, उसकी जो प्राइस रेंज में डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। खैर, प्राइसिंग की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस किस वेरिएंट में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो भाई, ये सबसे पहले ये जान लो कि तीनों ही वेरिएंट्स हमें डीजल और पेट्रोल दोनों में ऑफर करे जा रहे हैं। एंड डीजल में हमें इंजन देखने को मिलेगा 1.5 वाला, और पेट्रोल में देखने को मिलेगा 1.2 वाला, जो स्टैंडर्ड है पुराने वाले। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बेस मॉडल की, यानी कि ई मॉडल की। ई मॉडल में हमें मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, CVT बेस मॉडल में हमें नहीं मिल रहा। साथ ही साथ बेस मॉडल में हमें फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें हैलोजन्स मिल रहे हैं, कोई हमें LED सेटअप नहीं देखने को मिलेगा। स्टील व्हील्स हमें देखने को मिलेंगे, अलॉयज बेस वेरिएंट में किसी भी कार में नहीं आते, तो इस कार में भी नहीं ऑफर करे जा रहे हैं हमें। इंटीरियर की बात करूं तो हमें मैनुअल AC देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हमें पावर विंडोज चारों मिलेंगी, बट जो ड्राइवर साइड में ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन होता है कि हमने एक बार बटन प्रेस करा एंड पूरी विंडो नीचे आ गई, वो हमें बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। और गाड़ी में हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं गाड़ी की सेफ्टी की, तो हमें बेस मॉडल में ही फ्रंट में दो एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हमें बेस मॉडल से ही सेफ्टी प्रोवाइड करी गई है। साथ ही साथ हमें ABS विद EBD भी देखने को मिल रहा है, और रिवर्स में हमें पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ बाकी के नॉर्मल सेफ्टी फीचर्स जैसे कि सीट बेल्ट वार्निंग और चाइल्ड लॉक और भी कई सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड करे जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हमें सभी कार्स में देखने को मिलते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड वेरिएंट की, जो कि है हमारा S वेरिएंट। और इसमें सबसे पहले तो हमें हेडलाइट्स और टेललाइट्स दोनों में हमें इसमें LED सेटअप देखने को मिलेगा, जो हमें बेस वेरिएंट में हैलोजन मिलता था, इस वेरिएंट में हमें LED सेटअप मिलेगा। ORVMs हमें देखने को मिल रहे हैं विद साइड इंडिकेटर, उसी के साथ साथ इस वेरिएंट में हमें 14 इंचेस के व्हील देखने को मिल रहे हैं विद व्हील कैप। बेस मॉडल में हमें व्हील कैप नहीं मिल रहे थे, स्टील व्हील्स मिल रहे थे, इस वेरिएंट में हमें उसी के ऊपर बस प्लास्टिक कैप चढ़ा के मिलेगी। साथ ही साथ इसमें हमें मिल जाता है शार्क फिन एंटीना, बेस वेरिएंट में हमें नॉर्मल एंटीना देखने को मिलेगा, बट S और VX में दोनों में ही हमें शार्क फिन एंटीना मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं इंटीरियर की, तो इंटीरियर में जैसे हमारे पुराने मॉडल में था, सारी जो फिनिश थी वो शाइनी ब्लैक में थी, बट फेसलिफ्ट में जैसा मैंने पुरानी वीडियो में बताया था वो मैट सिल्वर के साथ चेंज हो चुकी है, तो वो हमें बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं होंगी, हमें S और VX वेरिएंट में ऑफर की जाएगी वो सिल्वर ट्रिमिंग्स ऑल ओवर द इंटीरियर ऑफ द कार। और जो हमारा गियर कवर होता था, पहले हमें रबर वाला देखने को मिलता था, बट फेसलिफ्ट में अब उसको लेदर का कर दिया गया है, एंड सेम बेस मॉडल में हमें वो लेदर वाला नहीं मिलेगा, बेस से ऊपर वाले मॉडल्स में हमें वो लेदर वाला देखने को मिलेगा, जो काफी एक प्रीमियम लुक देता है हमारे इंटीरियर को। S वेरिएंट में हमें जो ड्राइवर सीट होगी वो हाइट एडजस्टेबल मिलेगी, और बेस मॉडल में ये हाइट एडजस्टमेंट वाला कंसेप्ट नहीं देखने को मिलेगा हमें ड्राइवर सीट में या किसी भी और सीट में। S वेरिएंट में ही हमें जो स्टेयरिंग होगा उसको हम टिल्ट कर पाएंगे, मतलब टिल्ट वाला ऑप्शन S वेरिएंट में अवेलेबल है, एंड उसी के साथ साथ हमारे स्टेयरिंग व्हील पे हमें बटन्स मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम और कॉल पिक एंड कॉल ड्रॉप के ऑप्शन के साथ। इसी से ही आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें हमें मैनुअल इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा, और हमारे चारों डोर्स के अंदर हमें स्पीकर्स भी मिलेंगे, और S वेरिएंट में हमें कीलेस एंट्री भी देखने को मिलेगी, पर हमें पुश स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। जो हमारा S मॉडल है वो हमें मैनुअल और CVT दोनों में ही देखने को मिलता है, और जो हमारा बेस मॉडल था यानी कि जो हमारा E मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ हमें मैनुअल में देखने को मिलता था, उसमें CVT नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, जो V वाला वेरिएंट था हमारा वो कंटिन्यू नहीं करा है होंडा अमेज में। अब जो हमारा नेक्स्ट वेरिएंट है वो VX है, एंड अभी के लिए आप लोग उसको टॉप कंसीडर कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वेरिएंट में हमें सनरूफ देखने को नहीं मिल सकती है। सो पॉसिबिलिटीज हैं कि इन फ्यूचर हो सकता है इसका एक और नया मॉडल आए जिसमें हमें सनरूफ भी देखने को मिले, तो प्रोबेबली वो टॉप मॉडल होगा,
बट अभी तक ऐसा कुछ और नहीं है, हो सकता है कि यही टॉप मॉडल हो सकता है कि एक और मॉडल आ जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं VX मॉडल की, जो अब तक का टॉप मॉडल कहा जा रहा है। तो VX मॉडल में सबसे पहले तो हमें फ्रंट में ऑटो LED हेडलैम्प्स विद प्रोजेक्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर में दोनों हाई बीम एंड लो बीम दोनों प्रोजेक्टर के अंदर ही मिलेगी हमें। साथ ही साथ LED फॉग लैंप्स और LED DRL जो एक बहुत अच्छे लुक में बनाई गई है इस बार, वो हमें देखने को मिलेंगी हमारे फेसलिफ्ट मॉडल में। और पुराने मॉडल में हमेशा से ये कंप्लेंट थी कि प्रोजेक्टर्स ऑफर नहीं करे गए थे, उस बात का होंडा ने ध्यान रखा है एंड इसके टॉप मॉडल में प्रोजेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। व्हील्स की अगर बात करें तो हमें 15 इंचेस के डायमंड कट ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, जो कार की साइड से काफी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहे हैं एंड बहुत ज्यादा अपीलिंग लग रहे हैं ये व्हील्स। साथ ही साथ VX मॉडल में हमें देखने को मिल जाता है क्रोम हैंडल्स हमारे चारों डोर्स पे। उसी के साथ साथ हमें क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है VX मॉडल में, और जो ये हमारा क्रूज कंट्रोल है वो हमें मैनुअल ट्रांसमिशन में देखने को मिलता है, CVT में हमें क्रूज कंट्रोल नहीं मिल रहा है। स्टीयरिंग में ही हमें पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं, बट अगेन ओनली फॉर CVT मैनुअल्स में, क्योंकि हमारा गियर स्टिक होता है तो पैडल्स का कंसेप्ट ही कहाँ से आएगा, इसीलिए हमें CVT में पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करे जा रहे हैं। कीलेस एंट्री के साथ साथ हमें पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन भी देखने को मिल रहा है इसके टॉप वेरियंट में, यानी कि VX वेरियंट में। उसी के साथ साथ हमें चारों विंडोज पावर ऑपरेटेड मिल रही है, प्लस जो हमारा ड्राइवर साइड वाला विंडो था वो हमें ऑटोमेटिक मिल रहा है एंड इसी के साथ साथ एंटी पिच भी हमें देखने को मिल रहा है। इंटीरियर में अगेन हमें सारी जो फिनिशिंग है वो हमें मैट सिल्वर में देखने को मिल रही है, जैसा कि हमें S वेरिएंट में मिल रहा है। उसी के साथ साथ जो हमारा AC होगा वो ऑटोमेटिक AC होगा। एंड वहीं अगर मैं बात करूं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो हमें 7 इंचेस का टच डिस्प्ले मिल रहा है विद एंड्रॉइड ऑटो प्ले एंड एप्पल कार प्ले। वॉइस कमांड एक्टिवेशन भी हमें देखने को मिल रहा है VX मॉडल में, जो कि बिल्ड इन होगा एलेक्सा का। साथ ही साथ गाइस इसमें हमें रियर पार्किंग कैमरा देखने को मिलता है, और इस बार हमें पार्किंग कैमरा के 3 व्यूज देखने को मिल रहे हैं फेसलिफ्ट मॉडल में। पुराने मॉडल में सिर्फ और सिर्फ 1 व्यू मिलता था, फेसलिफ्ट मॉडल में 3 व्यू हमें देखने को मिलेंगे पार्किंग कैमरा में। VX वेरिएंट में जो हमारे S वेरिएंट में चीजें मिली थी वो तो मिल ही रही है, प्लस जो ये एड ऑन चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात हम लोग कर लेते हैं कि कितने कलर ऑप्शंस हमें कार में देखने को मिल रहे हैं। तो हमें इन टोटल 5 कलर ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जो कि है प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, लूनार सिल्वर मेटालिक, गोल्डन ब्राउन मेटालिक, रेडिएंट रेड एंड मीटियोराइड ग्रे मेटालिक। तो यही 5 कलर हमें ऑफर करे जाते हैं होंडा की तरफ से अमेज के फेसलिफ्ट मॉडल में। एंड वहीं अगर मैं बात करूं इंटीरियर के कलर कॉम्बिनेशन की, तो वो हमें ब्लैक एंड बेज ही देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे पीछे आप लोग देख सकते हैं ब्लैक एंड बेज पुराने मॉडल में भी और फेसलिफ्ट मॉडल में भी हमें ब्लैक एंड बेज ही देखने को मिलता है। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, एंड प्राइस मैं सबका बताऊंगा, तीनों वेरिएंट्स का मैं आप लोगों को प्राइस बताऊंगा और इन तीनों को डिवाइड करूंगा फर्दर पेट्रोल एंड डीजल में, एंड इनको फर्दर डिवाइड करूंगा मैं मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे बेस मॉडल की, यानी कि हमारे ई वेरिएंट की। ई वेरिएंट में अगर आप लोग पेट्रोल इंजन को लेते हैं तो आपको कॉस्ट पड़ेगी 6.34 लाख की, एंड ये हमें मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा क्योंकि बेस मॉडल में हमें CVT नहीं मिल रहा है। वहीं अगर ई वेरिएंट में ही हम लोग बात करें डीजल की, तो इसमें भी हमें मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा एंड इसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी 8.69 लाख की। और भाई जो मैं आप लोगों को प्राइस बता रहा हूँ वो एक्स शोरूम प्राइस है, अगर आप लोगों को ऑन रोड प्राइस जानना है और अपने सिटी में प्राइस जानना है तो आप लोग गूगल कर सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सिटी का भी प्राइस आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एस वेरिएंट की। एस वेरिएंट में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पेट्रोल वाले वेरिएंट की, तो इसमें हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं मैनुअल एंड CVT, एंड यहाँ पे मैनुअल की कॉस्ट रखी गई है 7.18 लाख एंड जो हमारा CVT होगा उसकी कॉस्ट रखी गई है 8.08 लाख। वहीं अगर मैं बात करूँ डीजल में, तो डीजल में इसमें हमें CVT ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा एंड उसकी कॉस्टिंग रहेगी 9.28 लाख। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं VX मॉडल की, यानी कि टॉप मॉडल की। अगर बात करें पेट्रोल की एंड मैनुअल ट्रांसमिशन, तो उसकी प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है 8.24 लाख एंड वहीं अगर इसमें CVT आप लोग लेंगे तो उसकी प्राइसिंग है 9.07 लाख। एंड इसी में ही अगर हम लोग बात करें डीजल की, तो डीजल में हमें दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं मैनुअल एंड CVT, एंड जो मैनुअल वाले की कॉस्ट होगी डीजल में उसकी कॉस्ट होगी आप लोगों को 10.27 लाख एंड CVT में हमें पड़ेगी 11.17 लाख रुपीज। तो भाई ये थे हमारे वेरिएंट वाइज प्लस ट्रांसमिशन वाइज प्राइस।
एंड अगर हम इन जनरल रेंज की बात करें कि इस गाड़ी की कितनी रेंज है प्राइस की, तो वो हमें देखने को मिल रही है 6.34 लाख से 11.17 लाख। तो भाई अगर आप लोग इस कार को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग मेरी पुरानी वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। उसमें मैंने इन डेप्थ में इनके फीचर्स के बारे में बात करी गई थी और एक हल्का फुल्का सा कंपैरिजन करा था हमारे पुराने मॉडल और फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर। गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि लॉन्च हो चुकी है ये कार, तो अभी एक दो दिन में ही मेरे नियरेस्ट शोरूम में कार आ भी जाएगी, तो मैं एक वॉक अराउंड रिव्यू भी करूंगा इस कार का। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इस कार को बाय करने में, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस कार से रिलेटेड या फिर इसकी सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह क्या कुछ आएगी, तो आप लोग इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सारे पॉइंट्स को लूंगा और आप लोगों के डाउट सॉल्व भी करूंगा। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली हो आप लोगों को अमेज फेसलिफ्ट मॉडल के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, ताकि जो आने वाली अमेज की या फिर और वीडियोस है मेरे चैनल पे, उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।